हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट लोग, आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर देख लीजिए, क्या कॉलेज मिला है, क्या ब्रांच मिला है, और जिन्होंने ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, क्या उन्हें मनपसंद कॉलेज या तो मनपसंद ब्रांच मिला है या नहीं, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने का प्रोसेस वही सेम है जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। जिन्होंने ब्रांच या तो कॉलेज अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट है, जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला, उन्हें कैसे डाउनलोड करना है, एक बार एक शॉर्ट प्रोसेस के माध्यम से बता दूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। सबसे पहले JCET के वेबसाइट में आना होगा। आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2022 पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस पर आपको साइन इन वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको जो लॉगिंग आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला था चॉइस फिलिंग करते वक्त, वही आईडी और वही पासवर्ड डालना होगा। डालने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जब अगर आपका चेक अलॉटमेंट स्टेटस अगर दिखा रहा है तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सबको ऐसे ही करना होगा। तो चेक अलॉटमेंट स्टेटस में जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो इस पर क्लिक करने के बाद, है ना, तो आपका ये अलॉटमेंट ओपन होगा। जैसे कि मैंने एक जन को ओपन किया है, तो इन्हें चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। तो उनको 1000 रुपीज़ पेमेंट करके तब जाके ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर, अगर मैं 1000 रुपीज़ सिर्फ पेमेंट करके अगर मैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेता हूँ तो मेरा क्या सीट कन्फर्म हो जाएगा? जी नहीं, आपको 1000 रुपीज़ अलॉटमेंट लेटर के लिए पेमेंट करना भी होगा और साथ ही साथ आपको कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना ही होगा। चाहे आपको मनपसंद कॉलेज मिला हो या ना मिला, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए अगर सोच रहे हो तो आप इस जो अभी आपको जो कॉलेज मिला वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा लीजिए, फिर तब जाकर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए सोचिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, है ना, अगर आप एडमिशन अगर नहीं लेते हो और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाते हो, और अगर आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अगर आपको मनपसंद कॉलेज अगर ना मिला तो पहला वाला जो सीट था वो तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको कोई भी कॉलेज अगर नहीं मिलता तो पहला वाला जो सीट था वो तो सेफ रहेगा, है कि नहीं। और अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो पिछला वाला जो कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज जो सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप 1000 रुपीज़ पेमेंट करके आप अपना एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपको सीट अपग्रेडेशन के लिए चाहिए तो आप करना चाहते हैं तो आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था, वो सीट अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया था, अब जो भी कॉलेज अगर अभी आपको मिला है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेडेशन वालों के लिए, अब वही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था जहाँ आपने एडमिशन करवाया था वहाँ आपका नाम सीधा सीधा कट जाएगा। और अगर आपको कोई भी अगर कॉलेज नहीं मिलता हो तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी का भी ब्रांच या तो कॉलेज अगर चेंज हुआ हो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उन्हें फिर भी कॉलेज जाना ही होगा, क्योंकि आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा कि मेरा कॉलेज या तो ब्रांच चेंज हुआ है, तो मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी जो भी पैसा आपने लिया था आप मुझे वापस कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था बट उनको अब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में BIT सिंदरी मिल गया, तब वो क्या करेंगे? पहले से चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पैसा आप सब ले लीजिएगा, तब जाकर BIT सिंदरी में जाकर आप अपना एडमिशन्स वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। और अगर बाय चांस जिनका भी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ही चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग BIT सिंदरी मिला था केमिकल में, अब उनको BIT सिंदरी मिला है मैकेनिकल में, तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अलॉटमेंट लेटर ले जाना होगा और आपको बताना होगा कि सर मेरा सिर्फ ब्रांच चेंज हुआ है, है ना, आप जो भी पैसा या तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपका जो भी प्रोसेस आप खुद से कर लीजिए, बस आपको अलॉटमेंट लेटर आपको जाके दिखाना ही होगा, मतलब घूम फिर के आपको कॉलेज जाना ही होगा, अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। अगर आप अलॉटमेंट लेटर नहीं दिखाते हो तो आपका कुछ भी नहीं किया जाएगा, है ना,
तो इसलिए आप लोग को अलॉटमेंट लेटर वहां जाके दिखाना ही होगा। और बीआरटी सिंदरी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया था, एडमिशन को लेके शेड्यूल निकाला गया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने तो वीडियो बना दिया था, आप वो वीडियो को जाके जरूर चेक कीजिए, आई सेक्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना। और जैसे कि जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 22 तारीख से मतलब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना था और सीएससी एंड आईटी वालों के लिए सबसे पहले रखा गया था, बट सीट अलॉटमेंट लेटर लेट आने का कारण तो वो लोग स्टूडेंट अब जा नहीं पाएंगे। तो शायद अब बीआईटी सिंदरी का मेन वेबसाइट में कुछ नया अपडेट आ सकता है फॉर सीएससी एंड आईटी वालों के लिए, अलग से एक डेट निकाला जा सकता है एडमिशन को लेकर, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर बीआईटी सिंदरी के माध्यम से अगर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है फॉर सीएससी एंड आईटी वालों के लिए, तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा कि आप लोगों को कब बुलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने ब्रांच वाले स्टूडेंट हैं, जो आपका टाइमिंग एंड शेड्यूल जो भी दिया गया था, वही टाइमिंग वही डेट पे आपको जाना होगा अपने एडमिशन को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो जाइए आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको भी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कोई भी कॉलेज मिला हो, अगर आपको वसंत भी ना आए, आपको फिर भी वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला राउंड में जो कॉलेज आपको मिला था वो आपका हाथ से चला गया, अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर अब आप सोचोगे कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी कॉलेज मिला आप उसमें एडमिशन करवा लीजिए, और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप वेट कीजिए। अगर कोई भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा, ओके। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।